हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमजीत मुनीर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायलेशन है। हर आए दिन कोई ना कोई वायलेशन आ जाती है। तो कभी सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के वायलेशंस, कभी शॉप कॉम्प्लायंस एनक्वायरी रजिस्ट्रेशन की वायलेशंस, कभी फंड फ्रीज की वायलेशंस, कभी लेट डिस्पैच रेट की वायलेशंस, कभी डिलीवर्ड बट नॉट डिलीवर्ड की वायलेशंस, कभी कभार वी नोटिस सस्पेक्टेड एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ये वायलेशंस आ जाती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेशन है जो कि टिकटॉक शॉप की तरफ से आ जाते हैं। अच्छा, ये जितनी भी वायलेशंस हैं इसको हम किस तरह टैकल करते हैं और किस तरह आप इसको सॉल्व करके ताकि हमारा अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए, तो हम वन बाय वन जितनी भी वायलेशंस हैं उसकी हम अपील किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारा अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए सक्सेसफुली। अच्छा, आप लोगों के सामने एक केस स्टडी है शॉप कॉम्प्लायंस एनक्वायरी रजिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से शॉप क्लोज हो गया था, शॉप सस्पेंड हो गया था, तो ये अपील सक्सेसफुली रिकवर हो गई है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी वायलेशन में उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर वायलेशन की डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये वायलेशन है, इसके अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे। इसके अलावा जो वायलेशंस लेट डिस्पैच रेट की वजह से आती हैं उसके अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो आपने रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर फुलफिल करना है। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपका अकाउंट 100% चांस है कि वो रीएक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, तो मे बी 50-50 चांसेस है कि आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो वायलेशंस वैसे की वैसे रह जाती हैं और आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड रहता है। अच्छा, ये केस स्टडी है जहाँ पे शॉप कंप्लायंस की वायलेशंस आई हुई हैं और ये सक्सेसफुली हम कवर कर चुके हैं इसको। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने वायलेशन डिटेल देखनी है कि आपसे क्या वो रिक्वायर करते हैं, तो आपने वो सारे इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, हर वायलेशन का अपना डिफरेंट प्रोसीजर होता है। अच्छा, कुछ फॉर एग्जाम्पल, ये एक वायलेशन है, इसका ये प्रोसीजर है जो कि अगर हम यहाँ पे देखें अपील डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट अपील किसने की थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन दोबारा जब हमने कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई। अच्छा, वायलेशन जनरेटेड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट होता है, और इसके अलावा ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि किस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स, इस वायलेशन की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पासपोर्ट होती है या ड्राइविंग लाइसेंस होती है। अच्छा, आपने पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जो है इस तरीके से प्रोवाइड करना है जिस तरह उन लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि उसके आगे हमेशा लिखा होता है कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जो है नेक्स्ट टू द हैंड राइटिंग नोट। इसका मतलब ये है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है या आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किसी प्लेन पेपर के ऊपर रखें और नीचे शॉप का नाम और उसके साथ साथ डेट लिखें। इस तरह जो उसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, सेम इस तरह आपने वो भी करना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में मोस्टली IRS डॉक्यूमेंट, जिसको EIN भी कहा जाता है, और इसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट, आपने ये सबमिट करना है। इसके अलावा आपने सिंपली क्या करना है कि आपका जो क्लाइंट है या आपकी खुद की ID है, तो सिंपली आप क्या करें कि उसके साथ एक सेल्फी ले लें, ये भी आप सबमिट करें कि आपने सेल्फी किस तरह लेनी है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा आपने 15-20 सेकंड की एक वीडियो बनानी है जिसमें आपने ये कहना है कि मेरा नाम ये है और ये मेरे शॉप का नाम है और ये मेरे ID हैं, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दिखाएं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, और वीडियो को भी अपलोड करें। इसके अलावा दो तीन डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे आपसे, उसमें भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें लाइक बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस है उसके साथ सेम होना चाहिए। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप वेयर हाउस के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज वो ऑप्शनल होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने सबमिट करने हैं तो आपका अपील इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें कोई भी में दो कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हर हाल में आपने सबमिट करने हैं, एक ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, और इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बाकी में से दो आप कोई भी IRS डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये सबमिट कर सकते हैं, इनमें से दो सबमिट कर सकते हैं आप। दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किस तरह शॉप कॉम्प्लायंस एनक्वायरी रजिस्ट्रेशन की अपील करनी है और किस तरह इसको सक्सेसफुल बनाना है।